गोली एक बार दिए लाली प्रिया खाता चाह बस एक गिलास तो क्या हो गया सब ठीक नहीं लाली जल्दी थे जल्दी गोली जल्दी थे मुझे मेरठ जाना बस आज पोपिन ने बिल्कुल मौके पे धोखा दिया आज बदला लूँगा सांझ गुस्से में आज पार्टी लेंगे पोपिन से जब ही आओगे कल आज मवाड़े ले जाएंगे 500 रुपये खुआ भाई सब कोठा ही होगी बुआ अरे निके तो भी की तरह खिया ही नहीं बुआ पूछो मत ना ठिया की तो बहुत बुरा हाल हो रहा है ये हमारी बुआ जी हैं सबसे बड़ी जानते ही नहीं होंगे लोग अब जान जाएंगे वो दिख रहा अपना मुँह दिख रहा हाँ दिखते रही कुछ चौंसी लग रही लो और चांदना करूँगा अब देखो अब दिख गया है तुम सही लग रही दोनों भाई आ जाओ चल आदि आ जाओ आओ तो मेरी गाल चलो आ जाओ मेरी गाल चलो नहीं मैं आ रही चल मम्मी पर बता दे कोई यार बुआ आ रही को बस बहुत बढ़िया तो सफल हो गया आना नहीं अभी ना भी जा अपनी इज्जत कम नहीं करवाया करते वहाँ बुलाओ से हम कल को जाऊंगे जब हमें नुके आके जाओगे हमारे घर आई हो जब जाओगे उसे भेज के जब तुम चलो तुम कह चलो एक बार नुके यहाँ हाँ उसे भेज बहुत जल्द तुम्हारे घर आओ फिर और जब हम जाओगे वो तुम चलो एक बार कहना तुम हाँ चलो तुम एक बार ही भूरिया भूरिया तेज है बहुत चलो आप मैं भेज रहा हूँ अभी ठीक है हाँ अरे छोटू में बस आ कर तुरंत हैं कैथली तो ढूंढ लेंगे जब आज वो लाओगे सिस्टम तो कैथली ढूंढ लेंगे एक बात है दो तोड़ने भाई ऐसे मसाला बनाना मसाला नहीं हमारे पास ये मसाला बना होगा ये तो बात है अरे भैया तू यहीं गेर दे यार तू गेर के झंझट खत्म कर मैं ढक लूंगा गेर दे कौन आ गया हाँ छोटे कौन आ गया बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो छत है मुझे पूरी झाड़ू से पूरी छत अभी साफ करनी है बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है तो अब लगता हूँ मैं झाड़ू लेकर के पहले उरले वाला हिस्से करूँगा फिर परले वाला हिस्से करूँगा ऐसे हो गए जैसे अफ्रीका में हों लोगों के कोई नहीं ऐसे ही चलता है घर में भैया जो हाँ ये तो है इसकी तो चार समझ है फ्रेंड्स यहाँ हमने टंकी वाले को और उस मिस्त्री को बुला रखा था अपने कि भाई देखो पानी क्यों हमारा पाइप से न जा करके पाइप के नीचे को जा रहा है तो वही सब डिस्कशन चल रही थी क्योंकि इस तरह तो हमारा लेंटर खराब हो जाएगा एक दो सूत ही हो सकता है एक दो सूत में जी इतना नहीं एक दो सूत ही हो रहा है तो दिखाओगे तो बैठ के उससे दिखा दो ना
इसका पानी अगर सारा वो होगा सर इसे तो करते खत्म। हाँ अरे अभी तू भी लग जा गैल में सोनू उतर वालो भाई इसे कह रहा सोनू मैं कह दे से भूत को उतरवा लेंगे कट्टे यार मैं नहाया हूँ लेकिन हेलमेट लगा के बाल ऐसे हो गए। अभी आए हैं पत्थर मार्केट भाभी ना तुम्हारी ये था एक और दिख रहा दिखाना दूसरे वाला वो डाक था इससे मालिक ये मेरे हिसाब से वो किया था तुम्हारे हिसाब से वो करा था क्योंकि वो कहते हैं लाइट कलर ठीक है लाइट कलर ठीक है तो दोनों एक ही रेट। हाँ दोनों एक ही रेट है इसमें तो अगर वो वाली तब किलो तो वो भी वही रेट है। अच्छा ठीक लग रहा मुझे तो उससे ये दो कलर आएंगे देखो ठीक भाई एक कलर ये और एक कलर ये वाइट और ये इसके साथ कुछ और मिला दो यार थोड़ा अच्छा सा कुछ होता तो बिल्कुल मिला देता मैं लगा लो कुछ ये आया फुट माल आएगा एक पेटी के अंदर और 270 रुपए की पेटी आएगी इनमें से कुछ मिक्स नहीं हो सकता छोटी छोटी लग जा दो बाई दो मिल जाएगी आपको देखो ऐसा होता है मतलब चीज अच्छी हो शानदार है पिछले 25 साल से बिक रहे हैं अच्छा भाभी कितने का भाई से थोड़ा सा प्राइस बताते चलो यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं बता दो यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं ना मैं लोग मेरे से जानकारी लेंगे तो बता दो दूंगा मैं बेचने के लिए दूंगा और ये वाला बड़ा साइज 13,000 रुपए अच्छा यार बस ये अपनी माँ को कहा मुझे ढूंढना है तो इनके माँ बाप में ही हो रहा ये देखो गाइस ये चारों के चारों मेरे पीछे मैं गांव में बहुत दूर सामान लेने गया था दुकान में वहीं आ गया मेरे पीछे इन्हें मेरे से पता नहीं क्या वो है अब यार क्या करूँ मैंने अरे ये आगे चल रहा हूँ वहीं दूर गया था मैं सामान लेने वहीं आ गया मेरे पीछे जो है मैं यहाँ बात कर रहा था मिस्त्री से कि भाई तुम जो काम कर रहे हो बहुत धीमा काम कर रहे हो ऐसे तो काम खत्म हो ही नहीं पाएगा पैसे मांग रहे थे हम बोले भाई पैसे तुम टाइम से ले लो पैसों के लिए मना नहीं है लेकिन काम जो कम से कम समय से ख़त्म कर दो क्योंकि धीरा काम करने से तुम सिर्फ ये नहीं कि ये लोग मतलब धीमा काम कर रहे हैं नहीं इनके काम कम होने से दूसरे मिस्त्रियों को चाल नहीं मिलती बस वही सब चल रहा हाँ बढ़िया आज तो झोटो की रेस थी पूरा दिन उसमें थे और पूरा दिन झोटो की रेस में आज तो गायब रहे पूरा दिन रोटी खाना है दो एक मिनट को फिर गया वो आज ना देखे बिस्तरी बिस्तरी किसके खा बन रहे क्या हो रहा पूरा दिन गायब थे आज तो साज हाँ ठीक ठाक और हाँ भाई हाँ बस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं हम बता देंगे कोई दिक्कत नहीं भाई ठीक है ठीक है इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कमेंट करिएगा और कोई और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए लाइट नहीं है अंधेरे में वीडियो का एंड कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आई होगी बहुत खर्च करके बहुत सारा महंगा सामान लाया है बहुत पैसा खर्च हो गया लेकिन चलिए ये सब टाइप की शॉपिंग भी घर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब घर बनता है तो शायद सभी करते होंगे इस तरह का खर्चा तो हम ही अलग नहीं कर रहे बट हमें थोड़ा सा पहली बार कर रहे हैं तो बड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग तब तक के लिए बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट व्लॉग जो है अच्छा व्लॉग आने वाला है तो देखते रहिए तब तक के लिए बाय।